मंच पर मेरा आग्रह करने पर और मुझे ज्यादा कहना भी नहीं पड़ा, वो तो इतना ध्यान रखते हैं शाहनवाज जी। मैंने उनको कहा कि मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगी तो बहुत जल्दी सुबह है, एक रात पहले भी आपको आना पड़ेगा। नेता लोग तो आप लोग सब जानते हैं कि सुबह आ जाते हैं शाम को चले जाते हैं, परंतु ये एक ऐसे हैं जिन्होंने शाम आके मेरे साथ आने का काम किया और यहाँ आके उन्होंने कहा बहन जैसे हम लोगों ने चालू किया। और ये काम 5 साल में पूरा नहीं हुआ, 40-50 काम अभी भी बाकी है। क्यों इतना समय लग रहा है? छापी बांध हम लोगों ने अपने टाइम में पूरा किया, 36 साल लग गए इस कांग्रेस सरकार को बनाने के लिए। ऐसी सरकार चाहिए क्या हमको? ऐसी सरकार चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए। आज हमने पैसे दिए, कल हमको बना के दो। हमारे घर का काम ऐसे होता है तो हमारे क्षेत्र का काम क्यों नहीं होगा? 36 साल क्यों हमारा पैसा कोई खाएगा? कौन हमारा खून चूसेगा? ये क्यों करेगा कोई? मैं देख रही हूँ, देखो ये पेयजल योजना मुख्यमंत्री जी ने 13 सितंबर को उसका शिलान्यास तो कर दिया, परंतु जब बांध का काम ही पूरा नहीं हुआ है तो पानी कहां से आएगा? बताओ मेरे को कहां से आएगा? इसी तरीके से आपका ये रेवा वाला, इस परियोजना को भी 5 साल पूरे नहीं कर पाए, जबकि हमारे टाइम में पेयजल परियोजना का काम हमने पूरा कर लिया था, परंतु फिर भी बांध अधूरा पड़ा हुआ, कैसे काम चले? यही मैंने कहा कि हमारे यहाँ वो स्पाइस पार्क अपन ने हर्बल पार्क लगाया, वो शुरू कर दिया था, काम भी चालू कर दिया था, उससे सौंदर्यकरण भी हो जाता और पार्क भी अच्छा बन जाता, लेके चले गए। डेंगू कंबाड़ा वाला बांध भी आपका पूरा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है वो, चले अप, करेंगे अपन ही करेंगे भैया। अपन लोगों को ही करना है, अपन नहीं हुआ। झालावाड़ जिले के अंदर डेंगू, झालावाड़ जिले के अंदर पानी आया, हमारे सब फसल नष्ट हुए, कोई वहां नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूछेगा आके कि भैया तुम्हारे आंसू हम पहुंच सके, तुम्हारे को कोई मुआवजा दे, कोई तुम्हारे हाथ मजबूत करे, कोई नहीं है पूछने। भाइयों चिंता मत करो, ये कुछ ही दिन का मामला है, कुछ दिन के बाद सरकार आपकी आएगी और उस सरकार के द्वारा आप अपना काम कराने में कहीं कमी नहीं छोड़ोगे, ये मैं आप लोग सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं। अब आज मेरे लिए बहुत सारी कठिनाइयां हैं। मैं कल मेरे से कोई पूछ रहा था कि आज कौन सा दिन है, मैंने कहा मेरे से तारीख मत पूछना, दिन मत पूछना, मैं 4 अप्रैल को घर से निकली थी और 1 दिसंबर को जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरी गिनती चालू होगी, तब तक मेरे को ये नहीं मालूम है कि रात है कि दिन है, कि बरसात है कि धूप है, मुझे ये नहीं मालूम कि आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है। इतना मालूम है कि ये लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा जनता के साथ मिलकर चलने का काम हम लोगों ने किया है और इसको पूरा 1 दिसंबर को हम लोग मिलकर करेंगे। इस सरकार को उस कुर्सी से उतार के, अपनी सरकार को उस कुर्सी पर बिठा के और जनता का काम करने का हम लोग मिलकर करेंगे, ये आप लोग तय करनी है कर लो। ये पिछले 5 साल से आप लोगों के साथ साथ हमने भी बहुत कष्ट सहे, आपने देखा है, मैं अपने परिवार वालों के साथ तो ये बात कर भी सकती हूँ। आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर जिस तरीके से असभ्य भाषा हम लोगों के लिए इस्तेमाल की गई, ये किसी से छिपी नहीं है। और मैं तो ये कहती हूं कि महिलाओं के साथ असभ्य भाषा इस्तेमाल करना, जो इस तरीके से वाक करता है विधानसभा के अंदर करता है तो विधानसभा के बाहर तो होना ही होना है, वो तो करना ही है और वो सब देखने को मिला है। जिस तरीके से इन्होंने वो क्या बोलते हैं आपका वो मुझे मालूम है, परंतु उन्होंने लागू किया, पूरे फाइल इकट्ठे कर लिए, फाइल इकट्ठे करके क्या नाम था उसका कमीशन का, मातुर आयोग, मातुर आयोग खड़ा किया। राजस्थान का पूरा काम 4 साल के लिए रुक गया मेरे पीछे कि फाइल खंगालो, कुछ तो मिलेगा उसके बारे में, तब तो सीबीआई को इस्तेमाल करो। राजा के ऊपर केसेस लगा दिए, मेरे ऊपर केसेस लगा दिए, मैं कालीन चोर के ले गई और कुछ नहीं मिला, तो बताओ भाई मेरे घर में चले जाओ तुम, उठा के ले जाओ कालीन, कितने चाहिए तुम्हें, कालीन चोर के ले गए, यहां तक भी नहीं छोड़ा। पर जिस तरीके से कलंकित कर सकते थे कलंकित करने की कोशिश की कि हाईकोर्ट ने निकाल के फेंका और बोला कि काय को टाइम खराब कर रहे हो, कुछ होना जाना नहीं है, इसको बंद करो और काम पे लगो, अभी भी छोड़ा नहीं है, अभी भी पीछे लगे हैं। अब खुद नहीं फेस कर सकते तो इन्हें तय कर लिया कि हम एक और पार्टी खड़ा कर देंगे, फिर दूसरी पार्टी खड़ा कर देंगे, फिर तीसरी पार्टी खड़ी कर देंगे। गंगानगर में एक को कर दिया, दूसरा आप यहाँ ही घूमते हैं वो भी देखे आपने, 2-3 और हैं, वो सब पार्टियां वो सबके टिकट कांग्रेस के दफ्तर से जा रहे हैं,
कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस की सी टीम, कांग्रेस की डी टीम, कांग्रेस की ई टीम, ये सब आपके सामने आएगी। मैं सबको कहना चाहती हूँ, एक तरफ ए बी सी डी और दूसरी तरफ जनता और हम लोग। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि डर नहीं है, और वो डर इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमारे पीछे हो। हम लोग मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे, और इस लड़ाई को लड़के जो हमारा वाजिब काम है, जो हमारा वाजिब पैसा है, जो हमारे वाजिब चीज हमारे यहाँ लगने चाहिए थे, वो सबको करा के छोड़ेंगे। क्यों भाई, वो तैयार हो कि नहीं? झालावाड़ में था जहां से ये लड़ाई शुरू हुई, और झालावाड़ ही है जो अगुवाई करेगा, सबको बताएगा कि हाँ हम लोग यहाँ करके छोड़ेंगे, हम इसको पीछे नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं आप लोग सबके सामने आपका आशीर्वाद देने आई हूँ। ये काम चालू होगा, मैं यहाँ से फिर पूरे राजस्थान के अंदर जाऊंगी। मेरा फॉर्म आज भरा है, परंतु ये मेरा फॉर्म नहीं है, आपका है। ये सब लोग, आप लोग मिलके चुनाव लड़ोगे। इन्हीं के लिए मेरे लोगों ने मेरे को कहा कि कितने दिन दोगे झालावाड़ को। मैंने कहा ये 5 साल झालावाड़ के हैं, और झालावाड़ तय करेगा, ये संभालेगा। और मैं तो क्या, ये मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता, मेरी परिवार के लोग एक एक बूथ पे बैठ के, मेरी जरूरत ही नहीं है, वो संभाल के रखेंगे उनको। और जो आए आने दो, ये झालावाड़ की लड़ाई है। झालावाड़ लड़के पूरी तरह से जाके जल्दी जयपुर के अंदर बैठेगी, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि अपनी सरकार बनाने में आप लोग कोई कमी छोड़ोगे नहीं। अभी पाटीदार जी मेरे को बोले, कहाँ जा रहे हो अभी? मैंने अभी रुक जाओ थोड़ी देर। मैंने कहा नहीं, मेरे को अभी फॉर्म भराना है 12 में, उसके बाद हमारे दो दिग्गज हैं वहाँ लाडपुरा और कोटा वाले, उनको फॉर्म भराना है, और रोज पे कल 3 फॉर्म और भराने। तो उन्होंने कहा हमारा, हमने कहा हमारा, ये तो सब फॉर्म भरे बैठे हुए हैं, बोलो ना। मेरे कहा हमारा, और जरूरत पड़ेगी तो मैं तो एक दिन बीच में आ जाऊंगी, कभी भी आप लोग चाहते हो यहाँ से निकलते निकलते। पर मुझे विश्वास है कि यहाँ आप हो, सब पूरे यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं, राजा हैं, बहू है, सब लोग हैं यहाँ, बहुएं हैं, सब बैठी हुई हैं, मेरे घर की सब लेडीज हैं, या आप लोग सब घर के ही लोग बैठे हुए, यही संभालो, एक एक बूथ को संभालो, एक एक बूथ के ऊपर आवाज निकालो, और बता दो कि 5 साल जिस तरीके से आपने हमको पीड़ित किया है, उस पीड़ा को हम नहीं भूलेंगे, और उस पीड़ा के एवज में अपना राज लेके आएंगे, और यहाँ अपना काम कराने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ ही क्या, पूरे राजस्थान को बदलने का काम हम लोग मिलके यहाँ से करेंगे। सब लोग कोई पीछे हटे नहीं है, मैंने सबको कहा, पिछले बार आरक्षण का हल्ला मचा, गुजर आरक्षण का हल्ला मचा। मैंने सब लोगों को कहा, मैं कहा क्यों करते हो, ये परिवार अपना है, इस परिवार को संभालना मेरा काम है। अगर आप में कहीं कमी मिल गई है तो उसको उठाना मेरा काम है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको उठाने के लिए हाथ बढ़ाऊंगी, आप क्यों चिंता करते हो। और मैंने इसीलिए कह दिया है सबको कि बीजेपी की सरकार बनते ही जो एसपीसी का वर्ग है, उसको जो 5% हम लोगों ने आरक्षण लागू कराने का काम था, उसको पूरी तरह से प्रयास करके लागू करने का काम हम लोग करेंगे। किसी को ये अपने मन के अंदर 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचना है कि अरे साहब हमारा तो काम हो ही गया, हम तो रह गए, कोई नहीं रहेगा। इस परिवार को संभालना भी हमारा काम है। देवधरण योजना भी थी, बहुत सारी योजनाएं थी, वो सब योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। और खाली नहीं, मैं तो सब 36 के 36 जातियों को, 36 के 36 कौम को, सब मजहब को साथ लेके, और उनके साथ न्याय उचित तरीके से इस परिवार को आगे ले जाने का काम करेंगे। हम भी कोई कम नहीं, याद रखो, ये झालावाड़ के लोग भी पीछे नहीं है, ये राजस्थान भी किसी से कम नहीं है, ये राजस्थान भी उसी पंक्ति में खड़ा होगा जो अग्रणी प्रदेश में बुलाए जाते हैं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अपने मन के अंदर आशा की किरण, उसकी जागृति करो, और एक एक मान के ये चलो कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो, क्योंकि वही आप तो सब मुख्यमंत्री हो ही, के चल के, और झालावाड़ के अंदर से वो आवाज उठाओ जो आवाज पूरे राजस्थान के अंदर फैल जाए, और जिस आवाज के ऊपर राजस्थान एक होके 1 तारीख को अपना वोट डाले, उस कमल के फूल पर मोहर लगाए, और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए।